हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिए, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद बीन लगाइए, उसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको आप वी फोर भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, फिर टाइम का यूज कीजिए। हैज हैव का यूज हम कब करते हैं इसके लिए हमारी पिछली वीडियो देखिए, और पिछली वीडियो में ही हमने फॉर और सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव लगाइए। हैज या हैव के बाद में आपको नॉट लगाना है, उसके बाद में बीन, और फिर आईएनजी वाली फॉर्म जिसको आप वी फोर कहते हैं, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, और लास्ट में टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मैं सोमवार से ज्वर से पीड़ित नहीं हूँ, तो यहाँ पे से वर्ड आ गया। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा समय के साथ में से दिया हुआ होगा, ये हमेशा याद रखना है हिंदी के लिए। मैं सोमवार से ज्वर से पीड़ित नहीं हूँ, तो इसका सेंटेंस बनेगा नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लीजिए, आई के साथ में हैव, और फिर नॉट का यूज करते हैं, आई हैव नॉट, फिर आप बीन लगाइए, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मैं सोमवार से ज्वर से पीड़ित नहीं हूँ, तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, मैं आज सारी सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, से टाइम के साथ में क्या दिया हुआ है, से। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हिंदी के लिए से वर्ड अवश्य आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है कि टाइम के साथ में, समय के साथ में से वर्ड हमेशा मिलेगा। मैं आज सारी सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, इंग्लिश के लिए मैं के लिए आई, फिर उसके बाद में आप हैव यूज करेंगे क्योंकि आई के साथ में हैव ही आता है, उसके बाद में आप नॉट का यूज करें, उसके बाद में आप बीन का यूज करें, फिर आईएनजी फॉर्म, प्रतीक्षा करना, वेटिंग फॉर यू ऑल दिस मॉर्निंग, मैं आज सारी सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ में।